हेलो फ्रेंड्स, मैं अरपित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पायथन के अंदर बबल सॉर्ट करनी सिखाऊंगा। क्या होती है बबल सॉर्ट, चलिए आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले कि होती क्या है बबल सॉर्ट। ये देखिए, आइए देखिए, सॉर्टिंग होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना। मान लीजिए कोई लिस्ट दे रखी है हमें इस तरह से 8, 2, 4, 1, उसको पूरा पर्टिकुलरली अरेंज करना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोगों का आउटपुट क्या आएगा, जस्ट लाइक दैट 1, 2, 4, 8, जो ये लास्ट में आ रहा है। इसको मैं धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, समझाऊँगा। ये चीज़, इस स्टेप की सॉर्टिंग को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। एक होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे 8, 4, 2, 1 लास्ट में इस तरह से आए। एक सॉर्टिंग जो होती है वो कई टाइप की होती है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, कई टाइप की सॉर्टिंग होती है। हम लोग इस बार जो समझ रहे हैं वो बबल सॉर्ट को समझ रहे हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वो पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना मतलब इस तरह से 1, 2, 3, 4, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 4, 3, 2, 1 इस तरह से। आप लोग चाहें तो ये पूरी डेफिनेशन और ये पूरा डायग्राम अपनी कॉपी में खासतौर से 12th क्लास और 11th क्लास स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। असेंडिंग बबल सॉर्ट जो होता है वो CBSE के बोर्ड एग्जाम में भी पूरा 100% क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ तक कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके अंदर भी बबल सॉर्ट का क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। बबल सॉर्ट नहीं आता तो इंसर्शन सॉर्ट जरूर आता है। इंसर्शन सॉर्ट को भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन अ बबल सॉर्ट टेक्निक ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड एलिमेंट्स आर स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। ये प्लीज़ आप लोग ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन होती है सॉर्टिंग की, बबल सॉर्ट की, पूरा डायग्राम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप नोट करें, क्योंकि बबल सॉर्ट के ऊपर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया तो उसमें डेफिनेशन आप लोगों से पूछा जाएगा, स्टेप्स पूछी जाएंगी, तो स्टेप्स आप लोगों को लिखनी होगी इस तरह से, जैसे मैंने ये नीचे स्टेप लिख रखी है। और इसका एक प्रोग्राम भी बनाना होगा, इसके प्रोग्राम को भी हम लोग अभी बनाएंगे। फिलहाल हम लोग एक चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट दे रखी है, जैसे 8, 2, 4, 1 इस तरीके से कोई एक छोटी सी एक लिस्ट दे रखी है। लिस्ट आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, कितनी भी छोटी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फिलहाल 4 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है, उसको मैंने कंपेयर किया है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, कंपेयर होता है, 8 बड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ बबल सॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो 8 कंपेयर होगा 2 से, कि 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है। अब ऑब्वियसली बात है 2 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 2 आगे आ जाएगा और 8 पीछे आ जाएगा। फिर वापस से कंपेयर होगा यहां पर लिस्ट के अंदर कि 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है। अब ऑब्वियसली बात है 4 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 4 आगे आ जाएगा और 8 पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से फिर कंपेयर होगा 8 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 आगे आ जाएगा और 8 पीछे आ जाएगा। फिर हम वापस से आगे स्टेप पे बढ़ते हैं, फिर 2 और 4, तो 2 छोटा है और 4 बड़ा है, यहाँ पर तो कंपेयर हो चुका। फिर 4 और 1 में कंपेयर होगा कि 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 छोटा है तो 1 आगे आ जाएगा और 4 पीछे आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। फिर कंपेयर होगा कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है 1 छोटा है, 2 बड़ा है, तो 1 आगे आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, फिर इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैंने ये पायथन का सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है, फाइल के अंदर जाता हूँ, न्यू में न्यू विंडो खुल जाती है, फिर फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर जाके सेव कर लिया। मैं कहाँ पर सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। आप लोग जहाँ फोल्डर बनाना चाहें वहाँ पर आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में फोल्डर बना के, अपने नाम का फोल्डर बनाकर उसके अंदर सारा का सारा काम सेव करके रख सकते हैं, ताकि कोई
दिक्कत ना आए, पुराना कोई प्रोग्राम खोलकर भी देखना हो तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ बबल सॉर्ट, डन, सेव इट। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और एक लिस्ट बनाते हैं। एल इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट मैंने क्रिएट की, 8, 2, 4, 1, इस तरीके से एक मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, फिर i इज इक्वल्स टू 0। i नाम का वेरिएबल किस लिए लिया है? ऑब्वियस सी बात है, लूप चलाने के लिए लिया है मैंने। ठीक है, फिर मैं लूप चलाता हूं वाइल i इज लेस देन लेन ऑफ l। ठीक है, यहां पर हमने लेंथ निकाली। लेंथ अगर आप लोगों को देखनी है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंट कराकर कि लेन निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, len, लेन नाम का फंक्शन होता है, l कॉमा सॉरी len ऑफ l। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चाहे तो लेंथ निकाल सकते हैं, और इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो प्रिंट बिफोर, मतलब ये सॉर्टिंग से पहले की लिस्ट मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूं कि पहले कैसे दिखती है, प्रिंट ऑफ एल। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिएगा यहां पर मैं क्या करता हूं, एक जे नाम का वेरिएबल और ले लेता हूं कंपेयर कराने के लिए, तभी स्वैपिंग हो पाएगी। वाइल एक वाइल लूप चलेगा वापस से, वो क्या करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा। जे इज लेस देन आई तो क्या होगा, इफ इसको मैं एक एक करके एक एक स्टेप को मैं समझाऊंगा। पहले मैं कोट कर लूं आप लोगों के सामने, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हुआ क्या है। जे यहां पर क्या होगा, कंपेयर होगा, फिर यहां पर स्वैप होगा, जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल के स्वैप ऑपरेशन। ठीक है, यहां पर स्वैपिंग होगी। जैसे हैशटैग क्या काम करता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में समझाया है कि ये कमेंट करने का काम करता है कि ये लाइन क्यों लिखी जा रही है, ये कोड क्यों लिखा जा रहा है। टैम्प इज इक्वल्स टू एल ऑफ आई, L of I, then L of I is equals to L of J, L of J, then L of J is equals to temp, obviously बात है, ये swapping का एक code होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर modification करेंगे, J is equals to J plus 1, और यहां पर हम लोग किस क्या करेंगे, आई का मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि यहां पर आई का लुक चल रहा है। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। फिर जब लूप खत्म हो जाएगा, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर हम लोग इसको लिस्ट को वापस से प्रिंट करा के दिखा देंगे कि आफ्टर कि स्वैपिंग हो जाने के बाद हमारी लिस्ट किस तरीके से दिखती है। तो ये देखिएगा एल, ये देखिएगा। अब मैं इसको वापस से सेव करता हूँ, ये देखिए फाइल के अंदर गए और सेव किया मैंने, और इसको रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये लेंथ मेरे सामने दिखाई दी है कि कितने की लेंथ है, 4 की लेंथ है, 4 एलिमेंट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 को 4 दिखा दिया मैंने। कि ये मैंने इसलिए दिखाया समझाने के तौर पर कि हम लोग लेंथ किस तरह से निकालते हैं, एल लेन नाम का फंक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और किसकी लेंथ, वो वेरिएबल की लेंथ, वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि पहले ये जो लिस्ट हमारी इस तरीके से थी, अब ये सॉर्टिंग करने के बाद इस तरीके से आ गई है। आइए इसको कोड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप करना है तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन लगा रहा है तो उसी तरह से ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, यहां पर कंपैरिजन जैसे इस तरीके से स्वैपिंग हो रही है, जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई थी, इसी तरह से यहां पर स्वैपिंग हो रही है। दूसरा, मैंने यहां पर
आई नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर जीरो इनिशियलाइज करवाया है, और जे नाम के वेरिएबल के अंदर भी जीरो इनिशियलाइज कराया है। तो यहां पर जब हमारा लूप चलता है, यहां पर जब हमारा लूप चलता है आई ऑफ लेन, तो यहां पर क्या होता है, कंपेयर होता है। इसके अंदर आई ऑफ लेन के अंदर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है जीरो, जैसे जे जे का इंडेक्स नंबर मान लीजिए जीरो है और आई का जो इंडेक्स नंबर वन है, तो दोनों इंडेक्स नंबर यहां पर कंपेयर होते हैं कि कौन सा इंडेक्स नंबर बड़ा है। अगर आगे मतलब आई वाला अगर छोटा है, आई वाला इंडेक्स नंबर अगर छोटा है और जे वाला बड़ा है, तो यहाँ पर आपस में स्वैप हो जाता है, और अगर इसका उल्टा है तो स्वैप नहीं होता। आइए फिर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर जे इज लेस देन आई, तो जे का मतलब क्या है, टू, और आई का मतलब क्या है, एट। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपेयर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्वैप होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बबल सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई कोड इसके अंदर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप लोग इसका ड्राई रन कीजिएगा अपने घर पे जाकर एक कॉपी लेकर, कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है और कौन सा कोड क्या काम नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके हर सवाल का जवाब कमेंट में करके दूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।